जेके भी सिंधी परिवार पैंजन घरन में एक बे सा ए खास करे बारन सा सिंधी में गालन था उनन के rishto.com जे पारा 10% मेंबरशिप डिस्काउंट मिलंदो जे सचपच तमा पैंजन बारन ले सुठो सिंधी छोकरो या सुठी सिंधी छोकरी चायो था त तमा असा जी इन स्कीम जो फायदो खणी सको था। ख्रिस्ती समाजाचे नेते सर्वसामान्य लोकांसाठी काम करणारे जात धर्म न मानता मानवता हाच धर्म मानणारे माननीय जीतू भाऊ राठोड यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक गुरुप्रीत कौर राठोड समाज सेविका प्रभाग क्रमांक 23। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने में ई बाइक्स काफ़ी सहायक साबित होंगी, ऐसी बातें रविवार की शाम उल्लासनगर में मिस्टर ई बाइक्स शोरूम का उद्घाटन करते हुए कल्याण के पूर्व आमदार नरेंद्र पवार ने कही। आपको बता दें, उल्लासनगर कैंप 1 के सी ब्लॉक रोड रामाकृष्ण मंदिर के पास मिस्टर ई बाइक्स शोरूम का रविवार को कल्याण पूर्व के आमदार नरेंद्र पवार के हाथों से उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में पहुंचे नरेंद्र पवार ने बताया कि इस बाइक को नो लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो PUC, नो नंबर प्लेट, नो रजिस्ट्रेशन, नो पासिंग इसकी ज़रूरत नहीं है। उल्लासनगर शहर के छोटे रास्ते हैं जिसके लिए यह मिस्टर ई बाइक कारगर साबित होगी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी व्यापारी सेल अध्यक्ष नरेश दुर्गाणी भी मौजूद रहे। आज उल्हासनगरमध्ये आमचे कल्याणचे मित्र नरेश उदानी यांनी मिस्टर ई बाईक या शोरूमचं सुरुवात केलेली आहे। आज माझ्या हस्ते या शोरूमचं उद्घाटन झालं असं पहिल्यांदा मी जाहीर करतो। आणि मला या ई बाईकच्या शोरूमचं उद्घाटन करताना विशेष आनंद आहे। आपल्या देशाचे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितीन गडकरी साहेब त्यांचा निर्धार आहे, आपल्या देशातले सर्व पेट्रोल पंप बंद करायचे, कारण आपल्याला पेट्रोलवर इतर देशांवरती डिपेंड राहायला लागतं। त्याचे भाव चढ उतार होत असतात, ते वर्ल्डच्या इकॉनॉमीवरती डिपेंड असतं। पण आपण कोणावरती डिपेंड न राहता आपण स्वयंभू जर का झालो तर निश्चितपणे आपल्याला या पेट्रोल पंपांची गरज पडणार नाही। म्हणून ही ई बाईकची कन्सेप्ट आपल्या हिंदुस्थानमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे पुसते आहे। आणि विशेष म्हणजे या ई बाईकला हेल्मेट लागत नाही, PUC लागत नाही, रजिस्ट्रेशन करायला लागत नाही, पेट्रोल लागत नाही आणि पोलिसांचा त्रास पण होणार नाही। आणि विशेष म्हणजे प्रदूषण मुक्त, म्हणजे आज पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून जे प्रदूषणाच्या अडचण निर्माण होत आहेत त्या प्रदूषणाला रोखण्याकरता या ई बाईकचा खूप चांगल्या प्रकारे फायदा होणार आहे। आणि निश्चितपणे मी आपल्या सगळ्या लोकांना मी आवाहन करेल की तुम्ही एकदा या आमच्या नरेशभाईंच्या मिस्टर ई बाईकच्या शोरूमला भेट द्या आणि तुम्ही निश्चितपणे आल्यावरती इथून बाईक घेऊनच जा। मी देखील आज उद्घाटन आला आणि मला वाटलं की मी पण एक बाईक नक्की घ्यावी अशा प्रकारची भावना इथे आल्यावरची सगळ्यांची होईल। म्हणून मी आपल्याला आवाहन करेल की तुम्ही इकडे निश्चितपणे या और उल्हासनगरवासियों को भी आवाहन करूँगा कि आप आइए और उल्हासनगर के हमारे जो भाई बहन हैं उनको ज़रा ज़्यादा बाइक की ज़रूरत रहती है क्योंकि उल्हासनगर की थोड़ी ज़रा अभी ट्रैफिक ज़्यादा लगी बढ़ी है, प्रदूषण भी बढ़ा है, उसको रोकने के लिए एक अच्छा मौका इस ई बाइक का है, ऐसे में मेरी भावना है। और मैं नरेश उदानी और उनकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ये सर हमारा मिस्टर ई बाइक्स करके शोरूम सी ब्लॉक रोड पे रामाकृष्ण मंदिर के बाजू में ओपन किया है। इसमें हमको हर प्रकार की गाड़ी मिलेगी, होटल के लिए चाहिए, किराने के लिए चाहिए, लेडीज़ के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, यंग जनरेशन के लिए चाहिए। 100% इलेक्ट्रिक गाड़ी है, विदाउट मेंटेनेंस और फ्री माइंड सर्विस दोनों खोला है।
मेन सर्विस सबसे बड़ा पार्ट है, जो सर्विस के ऊपर ही गाड़ी सब चलती है। जो पब्लिक को ज़्यादा दिक्कत है इस गाड़ियों में सर्विस की वजह से, इसलिए हमने इमीडिएट यहाँ पे अपनी गाड़ी की सर्विस के साथ अदर कंपनी की गाड़ी की भी हम सर्विस देंगे। सबसे बड़ी बात, जो पेट्रोल पे गाड़ी चल रही है हम उसको भी कन्वर्ट करके देंगे इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल, वो भी यहाँ पे प्रोविज़न रखा है हमने। थैंक यू। इलेक्ट्रिक और पेट्रोल का इसका खर्चा कितना जाएगा? इलेक्ट्रिक का हमें करना है 40,000 to 60,000 के आसपास खर्चा है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।